रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वर्चुअल माध्यम से आज 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गईं। इसके तहत ही उत्तरकाशी में भी गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में बीआरओ द्वारा निर्माणाधीन नेलांग वैली के कर्चा एक सेतु का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक गंगोत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को गति मिल रही है और इस अवसर में सभी प्रदेशवासियों को इस पुल की बधाई देता हूँ। इसके आगे विधायक ने कहा कि वैली में पहली बार नेटवर्क की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है, साथ ही नेलांग घाटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे अनेक पुलों पर त्वरित गति से कार्य चल रहा है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। ब्रिज है जिसकी लंबाई 65 मीटर है और ये हमारा सितम्बर 2018 में शुरुआत हुई थी। यहाँ की भौगोलिक और परिस्थितियों को देखते हुए हमने केवल 6 महीने का जहाँ पे काम करने को मिलता है, हमने इसे सितंबर 2024 में काम किया। इससे हमारा जो नेलांग वाइब्रेंट विलेज है, वो जडांग वाइब्रेंट विलेज है, वो हमारा कनेक्ट हो रहा है और इससे टूरिस्ट संभावनाएं काफ़ी बढ़ जा रही हैं।